ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वी विल डू एक एक करके। सबसे पहला हेडिंग डालो थालो फाइटा हेडिंग डालना। अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक का है ना एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। ये स्पेशली आपको ऑडमैन आउट, इसमें ऑडमैन आउट बहुत पूछा जाता है, ठीक है। थालो फाइटा लिखना, इसमें ना ये एग्जाम्पल्स लिखो है, स्पायरो गायरा, उलोत्रिक्स, उल्वा, सार्गासम। ठीक है, सार्गासम के बारे में आपने पिछले साल सैलिनिटी में पढ़ा था, ठीक है। सैलिनिटी करके एक चैप्टर था, उसमें आपने एक सी का नाम पढ़ा था जहां पे सिर्फ ये सार्गासम एल्गे ग्रो होता है। तो ये एग्जाम्पल्स लिखना, ये थैलोफाइटा के नीचे चार एग्जाम्पल्स देखना। एंड आगे ना ये भी ऐड करो, यीस्ट एंड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मोल्ड्स, ये सारे किसमें आते हैं, थैलोफाइटा में। एंड ऑल्सो ये एल्गे को भी ऐड करना, एल्गे भी लिखना। सर थैलोफाइटा करके ऐसा चालू किया। हाँ, थैलोफाइटा हेडिंग डालो, उसके एग्जाम्पल्स हम लोग लिख रहे हैं, सारे एग्जाम्पल्स। चलो फिर नेक्स्ट, इसमें लिखना हेडिंग ब्रायोफाइटा, डालो हेडिंग ब्रायोफाइटा, हेडिंग लिखना ब्रायोफाइटा। अब इसमें एग्जाम्पल्स लिखो, मॉस, मार्केंटिया, एंथोसेरोस, रीशिया। मॉस, मार्केंटिया, एंथोसेरोस, रीशिया। सर वो ब्रैकेट में जो लिखा है वो भी लिखना है। हाँ, फ्यूनेरिया भी लिखना, मॉस का मतलब है फ्यूनेरिया। सर थैलोफाइटा का येस्ट माउल्स के बाद क्या क्या था? अरे जरा जल्दी जल्दी लिखो, ये देखो इधर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये लिख लेना, मॉस, मार्सेंटिलिया, एंथोसेरोस, रीशिया। तो आप इसमें नोटिस भी कर सकते, देखो इसको राइजोइड्स, ये देखो प्यूनेरिया में क्या है, राइजोइड्स है। राइजोइड्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, आई जस्ट जूम इट फॉर यू, देखो हेयर लाइक रूट्स प्रेजेंट है इसमें। एंड इसमें देखो, अभी देखो यहाँ पे ना उन्होंने क्या लिखा है, एक वर्ड दिया है थैलॉइड, तो ये थैलॉइड का ना उसमें मीनिंग लिखना, थैलॉइड का मीनिंग लिखो इसमें, लिखना थायलॉइड का जस्ट मीनिंग उधर लिख लेना। प्लांट्स हैव नो रियल स्टेम, लीव्स, थायलोफाइटा का मीनिंग ये है, प्लांट्स हैव नो रियल स्टेम और लीव्स। ये जरा लिख के रखना, थायलॉइड का मीनिंग है ये। चलो सर हाँ बोलो। इज दिस थैलर्ड एंड थैलोफाइटा नो 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 रिलेटेड? नो, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। ओके चलो अब नेक्स्ट लिखो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में ये एग्जांपल्स ये जरा मार्क कर लेना, नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, तेरिस, एडियंटम, एक्यूसेटम, सेलेगिनेला, लाइकोपोडियम। ये एग्जाम्पल्स मार्क करके रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड इधर ये जो फर्न्स लिखा है, यहां पे देखो कुछ ना एक वर्ड दिया है स्पोरांजिया,
अभी स्पोरांजिया है क्या मालूम है क्या? यहाँ पे चाहते हो आप लिख सकते हो स्पोरांजिया का मीनिंग, इट कंटेन्स स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, इट कंटेन्स स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। लोग इसके आगे के पार्ट पे जाते सर, इट कंटेन्स स्पोर के आगे क्या था? स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन स्पोरांजिया का मीनिंग है। ये एग्जांपल्स लिखा ना आप लोग ने? हाँ सर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, हेडिंग डालो क्रिप्टोगैम्स, हेडिंग डालना क्रिप्टोगैम्स। फर्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल प्लांट्स इन क्रिप्टोगैम्स, ऑल प्लांट्स इन क्रिप्टोगैम्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, all plants in cryptogams reproduce by spore formation। iska likhna, they are called cryptogams, they are called cryptogams। सर ये किस कौन सा टॉपिक के नीचे हेडिंग डालो? cryptogams हेडिंग डाला, cryptogams हेडिंग डालो, इसका आंसर है they are called cryptogams as their reproductive organs are hidden, as their reproductive organs are hidden, likho are hidden। are hidden likhna। chalo next heading dalna, फैनेरोगैम्स हेडिंग डालो, फैनेरोगैम्स। इसमें लिखना, प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फैनेरोगैम्स। प्लांट्स विच हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स are called phanerogams। बस इतना ही काफी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना, जिम्नोस्पर्म्स तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। अब जिम्नोस्पर्म्स में एग्जाम्पल्स लिखना, जिम्नोस्पर्म्स लिखो हेडिंग और एग्जाम्पल लिखना, काइकस, पीशिया, तुजा एंड पिनस, दियोदर बोलते हैं इसको। काइकस, पीशिया, तुजा एंड पाइनस बोलते हैं, पाइनस। ये स्पेशली आपको ऑड मैन आउट में आएगा, इसके लिए मैं आपको ये लिखा के दे रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग डालना, अभी एंजियोस्पर्म्स का कोई एग्जांपल मत लिखो, डाइकोटिलेडॉन्स का एग्जांपल लिखना, जो भी आपको दिया है तो डाइकोटिलेडॉन्स का एग्जांपल लिखो, बैनियन ट्री, बैनियन डाइकोटिलेडॉन हेडिंग डालो, डाइकोटिलेडॉन हेडिंग डालो, डाइकोटिलेडॉन, इसमें बैनियन ट्री लिखना। फिर मोनोकोटिलेडॉन में हेडिंग डालो और इसमें लिखो बाम्बू, बनाना, ऑनियन, और बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग सिर्फ फेसबुक के एग्जांपल्स कर रहे हैं।
इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आपको इसका मैं नोट्स है ना पूरा शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जो भी इसका है ना, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, अभी कल इसके ऊपर क्या रहेगा, एक टेस्ट रहेगा, ठीक है, बोथ ओरल एग्जाम रहेगा एज वेल एज रिटन एग्जाम रहेगा। तो ओरल एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपको दिया हो, जो भी नोट्स दिया हो आपको क्लास में, वो आएगा आपको नोट्स में।